नगर की एक निजी और प्रतिष्ठित विद्यालय में छात्रपति छात्रत्वा प्रोत्साहन सम्मान राशि वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी रही। आइए आप भी देखिए। नगर के प्रतिष्ठित सेंट मैरी स्कूल मैनपुरी में छात्र प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान राशि वितरण समारोह, बार्टर लैब का उद्घाटन एवं बच्चों को स्कॉलरशिप वितरण कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। यहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग एवं सदर विधानसभा से विधायक मंत्री जयवीर सिंह की मौजूदगी रही, जिन्होंने यह कार्यक्रम का शुभारम्भ किया है। बता दें कि शिक्षा सत्र 2021-22 और 2022-23 के हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राओं को सर्वोत्तम अंक पाने वालों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी मैनपुरी अविनाश कृष्ण सिंह और भाजपा के जिलाध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी, नगरपालिका अध्यक्ष संगीता गुप्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आलोक गुप्ता, साथ ही शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर सेंट मैरी स्कूल परिवार के प्रबंधक दीपक दास, प्रधानाचार्य मनोरमा दास और सह निदेशक कुशाग्र दास ने सभी अतिथियों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को प्रतीक चिन्ह व सम्मान प्रदान किया। साथ ही इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, शिक्षा से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ने का साहस मिलता है। शिक्षा से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति, बिजनेसमैन बनते हैं। नए उत्तर प्रदेश की नई युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर भारत की यात्रा को ऐतिहासिक बनाने का माध्यम है। और एवं 98% बहुत सारे बच्चों ने मार्क्स हासिल करके अपने परिवार का, मैनपुरी का और हम सब का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यही बच्चे कल के भारत के, भावी भारत के भविष्य हैं। और जैसा कि मोदी जी बार बार कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत विकासशील भारत से विकसित भारत अगले 25 सालों में बने। इन्हीं बच्चों के कंधों पर यह वजह रहेगा कि यह सब योग्यता, क्षमता, दीक्षा के आधार पर जिस क्षेत्र में भी जाएं, प्रशासनिक अधिकारी बने, वैज्ञानिक बने, डिफेंस क्षेत्र में जाएं, औद्योगिक क्षेत्र में जाएं, जिस क्षेत्र में भी जाएं, हमारे देश का नाम रोशन करें, हम सब का नाम रोशन करें और आदरणीय प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सकें। यही मेरी कामना है इस विद्यालय के, विद्यालय परिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए कि निरंतर उन्नति तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता रहे और मैनपुरी को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता रहे। मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ।